फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन में जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग एक साल लगा कर कर या लगातार सालों लगातार आते रहते हैं उसको हम देखेंगे, जिससे हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर ले। इसमें हम इसी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। जैसे देखिए, प्रकाश का परावर्तन यह इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन ये पूछ सकता है, लेकिन परावर्तन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परावर्तन के नियम। ये दो नंबर में अवश्य पूछ सकता है। ये परावर्तन के दो नियम आप लिखिएगा और परावर्तन के नियम का ये चित्र बना दीजिएगा, जिससे एग्जामिनर आपको दो नंबर तुरंत दे देगा। इस दो नंबर को कोई नहीं रोक सकता। अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण। इसमें गोलीय दर्पण इम्पॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण मतलब नहीं इम्पॉर्टेंट है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये इम्पॉर्टेंट है। इसको आप देख लीजिएगा। इसमें अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण में 1 प्रतिबिंब बनता है। इसको देख लीजिएगा। ये देखिए प्रतिबिंब का बना है, जब वस्तु अनंत पर हो, ये सब उसके अंतर्गत है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, इसको पढ़ लीजिएगा। ये या आप किसी भी रेफरेंस बुक को लिए होंगे तो इस चित्र के बाद ये टोटली आपका पूरा एक चैट में दे दिया, चार्ट पे दे दिया होगा, जिससे आप इसे पढ़ सकते हैं। इससे बहुत आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लगभग लगभग हर साल ये पूछे जाते हैं। जब मैंने भी क्लास 10th का अपना एग्ज़ाम दिया था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो मुझे तैयार था और मैंने 2 अंक प्राप्त कर लिए। गोली दर्पण तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? गोली दर्पण जो गोली दर्पण और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। आधी कैसी होती है? जैसे f/r/2। गोली दर्पण द्वारा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध हो गया। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट है गोली दर्पण के लिए UV में और F में संबंध। इसको देख लीजिएगा एक बार। उतना तो इसको हम नहीं पूछा जाता है, या पूछा जाएगा तो 4 नंबर में, लेकिन आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा और इस फार्मूले को याद करिएगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न इस बात का रहता है। क्योंकि दर्पण में ये प्लस में है और यही लेंस में आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब हम देखेंगे, अब इसमें इम्पॉर्टेंट है दर्पण के उपयोग में क्या है? अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग। इसे आप बस दो दो एग्जाम्पल इसका पढ़ लीजिएगा, बस याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन को पढ़ लीजिएगा एक बार, और ये परावर्तन का चित्र है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये भी 1-2 नंबर में और बहुकल्पीय प्रश्न में पूछ सकता है, कि यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब के तरफ झुक जाएगी। इसको आप जरूर से एक बार दिमाग में अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर दीजिएगा, दिमाग में जरूर इसको बैठा लीजिएगा, क्योंकि यह 1 नंबर बहुकल्पी में पूछे जाते हैं। और इस ये देख लीजिएगा अपवर्तन के नियम, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपवर्तन के नियम पूछ सकता है। अब हम आएंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता को एक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आते हैं जो 4-5 नंबर के भी हो सकते हैं, 2 नंबर के भी हो सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब दूसरे देखते हैं लेंस। लेंस को पढ़ लीजिएगा, जिससे आसानी होगी। और लेंस में भी है लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये इम्पॉर्टेंट है। अभी आगे होगा, आगे देखते हैं। लेंस एक आदि है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का आना, इसको देख लीजिएगा। और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसको देख लीजिएगा। और ये चार्ट दिया है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे आपके डाउट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब हम आगे देखेंगे इसमें लेंस का आवर्धन। आवर्धन ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह सेंटीमीटर और मीटर में देता है, जिससे कोशिश लड़के फंस जाते हैं। नहीं, ये नहीं दिया जाता है,
ये नहीं दिया रहता है, इससे क्वेश्चन बनता है। लेंस की क्षमता से दिया रहता है, सेंटीमीटर में कुछ और फार्मूला लगेगा और मीटर में कुछ और फार्मूला लगेगा। जैसे देखिए, लेंस की क्षमता इधर फार्मूला दिया है 1/ लेंस की फोकस दूरी, अगर मीटर में हो तो P/F मीटर में, अगर सेंटीमीटर में हो तो 100/F हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है। और लेंस के उपयोग दैनिक जीवन में, लेंस के उपयोग देख लीजिएगा, अवतल लेंस द्वारा उपयोग और उत्तल लेंस द्वारा उपयोग। बस आप थैंक यू, और आप अपने एग्ज़ाम के लिए मेहनत करते रहिए, बोर्ड के एग्ज़ाम के नंबर बहुत ही काम आते हैं। थैंक यू, बस यही तक। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अर्जित करेंगे। और मैं इसी तरह और भी चैप्टरों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, अगर आप उसे भी पढ़ कर दे जा रहे हैं तो आप अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं, क्योंकि हमने वो किया है, हम देखे हैं। और इसमें तो कुछ नहीं, चैप्टर बहुत ही कम कम है, 4-5 चैप्टर है। अभी आपको ज़्यादा लगेगा, जब आप बड़े क्लासों में जाएंगे तो ये याद करेंगे क्लास 10th में कुछ नहीं था। तो जितना हो सके आप मेहनत करिए और अच्छे नंबर लाइए, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है।